Hello friends, again you are welcome to my channel Study with Aarti Gupta. Today in this video lecture I am going to discuss a very important and also the first novel of Elizabeth Gaskell. Earlier I have discussed her one novel, that is North and South, and this is the second video in which I am discussing here Elizabeth Gaskell. फ्रेंड्स, एक बहुत जरूरी चीज जो कि मुझे आपसे पूछनी है, मुझे कुछ कमेंट्स ऐसे आते हैं कि मैम आप जैसा लेंथ है वीडियोस का वैसा ही रखिए, कुछ कमेंट्स आते हैं कि जिसमें आता है कि आप थोड़ा सा वीडियोस की लेंथ को रिड्यूस कर दें. तो एग्जैक्टली मुझे ऐसा लगता है कि क्या एंटरटेनमेंट के लिए नॉवेल्स पढ़नी है? अगर मैं शॉर्ट में 5 या 10 मिनट्स का वीडियोस बना दूं और उसमें आपको चीजें क्लियर ना हो तो क्या फायदा फिर पढ़ने का? ये तो बस ऐसा है एंटरटेनमेंट के लिए आपने स्टोरी पढ़ ली और आपका हो गया, और जब नेक्स्ट एग्जाम हुआ तो उसमें चीजें आपको क्लियर नहीं हुई. तो मुझे लगता है कि इस तरीके से वीडियोस सुनने का या बनाने का कोई भी मतलब नहीं है. मैंने कल कुछ यूट्यूबर्स के वीडियोस देखे, उसके बाद मैंने कोशिश की कि मैं उन वर्क से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करूं. तो एग्जैक्टली उन वीडियोस को देखने के बाद क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे थे क्योंकि वो वीडियोस बहुत ही ज्यादा शॉर्ट में थे. तो और नेट की तैयारी हवा में नहीं करनी है कि बस आपने ऐसे ही पढ़ लिया और आपका हो गया बस, अरे हाँ मैंने ये नॉवेल्स पढ़ लिया और मेरी तैयारी हो गई. आपको खुद भी पता होगा कि नेट का एग्जाम निकालने के लिए आपको डीप नॉलेज की जरूरत है. अब मैं आज जो नॉवेल डिस्कस कर रही हूँ वो नॉवेल है मैरी बार्टन. ये एलिजाबेथ गास्केल का फर्स्ट नॉवेल है. आपको कितने राइटर्स के फर्स्ट नॉवेल्स याद है? अभी तक आप खुद सोचिए अपने आप से कि आपको कितना याद है. मैं आपसे पूछूं अगर कि ग्राहम ग्रीन का फर्स्ट नॉवेल कौन सा है तो क्या आपको पता है? मैं आपसे पूछूं पीटर एक्रॉड का फर्स्ट नॉवेल कौन सा है, एम्बुगी वेंगे का फर्स्ट प्ले कौन सा है और उनका फर्स्ट नॉवेल कौन सा है? सबसे पहले पीबी शैली को किस कैसे पहचान मिली थी? सबसे पहले उन्होंने क्या लिखा था, लिरिकल ड्रामा लिखा था या उन्होंने नॉवेल लिखी थी, और अगर नॉवेल लिखी थी तो कौन सी नॉवेल लिखी थी? तो अगर इन सारे क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं तब तो ठीक है, इट्स ओके कि आपकी प्रिपरेशन एकदम सही डायरेक्शन में जा रही है. और अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं इट मींस दैट कि आपको डीपली पढ़ने की जरूरत है. अब अगर मैं बात करूं इस नॉवेल की, मैरी बार्टन की, तो ये फर्स्ट नॉवेल है एलिजाबेथ गास्केल का. मैं आपसे पूछूं कि इसका सबटाइटल क्या है तो हो सकता है कि कुछ लोगों को सबटाइटल पता हो. अब मैं पूछती हूँ लास्ट में कि यहाँ पे ये लोग जो मैरी बार्टन है इसकी शादी किससे होती है, ये लोग कहाँ जाके शिफ्ट हो जाते हैं. एग्जैक्टली जब इसके ऊपर ब्लेम आता है जैम विल्सन के ऊपर, तो इसके कजिन को ढूंढने, विल विल्सन को ढूंढने के किस जगह पर जाती है, एग्जैक्टली इसका मर्डरर कौन होता है, क्या ये सारे आंसर्स हैं आपको, क्या सारे आंसर्स क्लियर हैं आपको? अगर है इट्स वेरी गुड, और अगर नहीं है तो प्लीज आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए क्योंकि नेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी छोटे एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो. और होता क्या है कि आपको लगता है कि हाँ ठीक है मेरी ये चीज तैयार हो गई है, अब मुझे ये नॉवेल तैयार हो गई, कोई टेंशन नहीं है. लेकिन जब आप क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि आपको आंसर्स नहीं आते हैं. तो आइए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं. इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको नॉवेल अच्छे से समझ में आ जाए. और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए जिससे वो लोग भी अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए. और मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा. तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपसे पूछूं, ये जो नॉवेल है पब्लिश हुआ था 1848 में. आपको 1848 से कितनी सारी चीजें याद आ रही हैं कि 1848 में क्या क्या हुआ था, कौन कौन से वर्क पब्लिश हुए थे, कौन सा मूवमेंट आया था, किस 1848 के टाइम पे कौन सी एज चल रही थी. आपको जितने भी इससे रिलेटेड इवेंट्स याद हो वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा जिससे आपको भी रिकॉल हो जाएगा. और अगर आपको इस तरीके से चीजें याद नहीं है इट मींस दैट कि अच्छे से पढ़ने की जरूरत है. आइए वीडियो को शुरू करते हैं. एक्चुअली ये जो नॉवेल है ये बेस्ड है, इसकी जो मेन कैरेक्टर है वो है मैरी बार्टन. मैरी बार्टन यहाँ पे जॉन बार्टन की डॉटर होती है और
इसका जो भाई होता है वो होता है टॉम। मतलब जॉन बार्टन की जब नॉवेल स्टार्ट होती है तो जॉन बार्टन की वाइफ की डेथ हो चुकी है और उसकी डेथ का एक रियल रीजन समझा जाता है कि उसकी सिस्टर, मतलब जॉन बार्टन की वाइफ की सिस्टर ईस्थर, जो कि डिसअपियर हो गई थी और इस दुख की वजह से इसकी डेथ हो जाती है जॉन बार्टन की वाइफ की। अब यहाँ पे जो टॉम है, टॉम बार्टन, ये यहाँ से क्या हो चुका है, लॉस्ट हो चुका है। तो अब जॉन बार्टन और सिर्फ उसकी डॉटर मैरी बची है। यहाँ पे जॉन बार्टन अपनी बेटी की अच्छे से केयर करता है, उसका अच्छे से ध्यान रखता है और बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में आ जाता है, जिसकी वजह से वो एक चार्टिस्ट यूनियन ट्रेड ज्वाइन कर लेता है। यहाँ पे जो मैरी होती है ये क्या करती है, एक ड्रेस मेकर का काम करने लगती है, ड्रेस मेकर का एक फैक्ट्री में। इसके फादर को ये बिल्कुल ही पसंद नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये वहां पे फोर्सफुली काम करने लगती है। और उस टाइम पे ये दो लोगों से इसका अट्रैक्शन हो जाता है, मीन्स दो लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसमें कि एक होता है जैम विल्सन और एक होता है हैरी कार्सन, जो कि एक वेल्दी मिल ओनर का सन होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे जैम विल्सन मैरी को शादी के लिए प्रपोज करता है तो ये यहाँ पे मना कर देती है, क्योंकि इसको ऐसा लगता था कि शायद वो हैरी कार्सन की तरफ अट्रैक्ट है। लेकिन जब इसको जैम यहाँ पे प्रपोज करता है तो इसको ऐसा लगता है शायद कि बाद में ये भी जैम को प्यार करती है, और यहाँ पे ये कोशिश करती है कि मैं यहाँ से हैरी से बच जाऊं। उसी टाइम पे ये जो ईस्थर है, ईस्थर यहाँ पे जॉन बार्टन की वाइफ की सिस्टर होती है, ये यहाँ पे आती है और अपने भाई जॉन बार्टन से बोलती है कि आप मैरी को बचा लो, उसका ध्यान रखो, वो भी कहीं मेरी तरह ना बन जाए, उसका कैरेक्टर भी मेरे जैसा ना बन जाए। तो यहाँ पे जॉन बार्टन ईस्थर को वहां से अपने घर से निकाल देते हैं और इसको 1 मंथ के लिए इसको जेल हो जाती है वैग्रेंसी की वजह से। अब यहाँ पे ईस्थर 1 महीने के लिए जेल में बंद हो गई है और यहाँ पे जैम विल्सन ये बिलीव कर लेता है कि शायद मैरी है, उसकी फीलिंग्स मेरे लिए कुछ भी नहीं है। जब 1 महीने के बाद ईस्थर वापस आती है तो वो क्या करती है कि वो ईस्थर जाती है जैम के पास और जैम विल्सन से बोलती है कि तुम क्या करो, तुम मैरी को बचा लो, नहीं तो उसकी रेपुटेशन डाउन हो जाएगी। इतना कहती है तो यहाँ पे जैम विल्सन ये प्रॉमिस करता है ईस्थर से कि आप परेशान मत हो, मैं इस चीज को देख लूंगा। और इतना कहने के बाद यहाँ पे जैम विल्सन की और हैरी कार्सन की डुअल फाइट हो जाती है। जब इन लोगों की फाइट हो जाती है तो इन लोगों की फाइट को एक पुलिसमैन देख लेता है और उसके कुछ समय बाद ये पता चलता है कि हैरी कार्सन का मर्डर हो गया है। तो उस मर्डर की वजह से जो पुलिसमैन ने देखा था तो किसको, जैम को अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन ईस्थर एग्जैक्टली वो शायद उसको ये पता था कि उसने ऐसा नहीं किया है, तो वो कहती है कि मैं इस केस को जरूर इन्वेस्टिगेट करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं पता लगाने की कोशिश करूंगी। और एक ये भी कारण था कि इसके ऊपर ब्लेम इसलिए भी किया गया था क्योंकि हैरी कार्सन का जिस जगह मर्डर हुआ था वहां पे जैम विल्सन की क्या मिली थी, वहां पे गर मिली थी, इस वजह से भी डाउट हो जाता है। अब जब ईस्थर भी ये बात बोलती है मैरी को तो मैरी भी कहती है कि मैं एनी हाउ जैम विल्सन को बचा के रहूंगी, मैं कोशिश करूंगी कि जैम विल्सन कैसे भी करके बच जाए। तो वो ये डिसाइड करती है कि मुझे कोई ऐसा प्रूफ चाहिए जिससे ये क्लियर हो जाए कि जब हैरी कार्सन का मर्डर हुआ था तो वहां पे जैम विल्सन नहीं था। तो इसके लिए वो क्या करती है, ये डिसाइड करती है कि वो लीवर पूल जाएगी, जगह याद रखिएगा लिवरपूल जाएगी, जहां पे जैम विल्सन का कजिन रहता है विल विल्सन, क्योंकि जिस टाइम पे हैरी कार्सन का मर्डर हुआ था उस टाइम पे जैम विल्सन विल विल्सन के साथ अपने कजिन के साथ था। ये लिवरपूल जाती है लेकिन तब तक उसको पता चलता है कि विल विल्सन का जो शिप है वो जा चुका है, क्योंकि विल विल्सन एक सेलर भी होता है।
तो यहाँ पे मैरी उसके शिप का पीछा करती है, तो विल विल्सन उस टाइम कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन मैरी सिल प्रॉमिस करता है कि तुम परेशान मत हो, ट्रायल वाले दिन मैं वहां पे आ जाऊंगा और मैं ये बता दूंगा कि हाँ उस दिन जैम विल्सन मेरे पास था। अब यहाँ से जो मैरी होती है बोलती है कि ठीक है तुम वापस आ जाना, और ट्रायल वाले जब ट्रायल का दिन होता है तो उस ड्यूरेशन में ही मैरी बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाती है। तो मैरी यहाँ पे किसकी अंडर में रहती है, ये मिस्टर स्टर्विस जो कि एक सेलर होते हैं और इसकी वाइफ की केयर में रहती है। इसके पहले मैरी यहाँ पे अपनी फ्रेंड मार्गरेट की भी हेल्प लेती है। मार्गरेट यहाँ पे मैरी की फ्रेंड होती है और मार्गरेट की ग्रैंडफादर होते हैं जॉब लेग, उनकी हेल्प से ही वो क्या करती है विल विल्सन को ढूंढ पाती है। इसकी फ्रेंड मार्गरेट यहाँ पे ब्लाइंड होती है, आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे जब मैरी बीमार पड़ गई है, मिस्टर स्टर्विस के अंडर में रह रही है और यहाँ पे वो ट्रायल चल रहा होता है, और विल विल्सन यहाँ पे बता देता है कि जब हैरी कार्सन का मर्डर हुआ था तो उस टाइम पे मेरे साथ ही जैम विल्सन था। तो इस तरीके से यहाँ पे जैम विल्सन वहां से छूट जाता है प्रिजन से, और रिलीजमेंट के बाद वहां पे मैरी बार्टन भी तब तक ठीक हो चुकी है और मैरी बार्टन वहां से अपने घर मैनचेस्टर की तरफ निकल पड़ती है और मैनचेस्टर आ जाती है। एग्जैक्टली मैरी को ये पहले से ही पता था कि इस मर्डर में जैम विल्सन का हाथ नहीं है बल्कि उसके फादर का हाथ है। कैसे पता था, क्योंकि जहां पे गन मिली थी वहां पे पीस और पेपर भी मिला था, उस पीस ऑफ पेपर में नेम लिखा था मैरी का, और मैरी अपने फादर जॉन मार्टन की हैंडराइटिंग पहचानती थी, लेकिन वो अपने फादर को ना एम्बैरस नहीं करना चाहती थी, इसलिए अभी तक उसने इस बात को अपने फादर के सामने रिवील नहीं किया था। अब मैरी यहाँ पे मैनचेस्टर आ जाती है और यहाँ पे इसका और जैम विल्सन फिर से ये दोनों रियूनिट हो जाते हैं और लास्ट में इन लोगों की शादी भी हो जाती है। अब जब ये घर आई है तो देखती है कि यहाँ पे जॉन बार्टन ने किसको बुलाया है, यहाँ पे इन्होंने बुलाया है जॉन कार्सन को। जॉन कार्सन यहाँ पे जो कि हैरी कार्सन के फादर होते हैं, इनको बुलाया है और इनसे माफी मांगी है, किस लिए, क्योंकि उन्होंने इनके बेटे हैरी कार्सन का मर्डर कर दिया था। इसके फादर पहले तो इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं और कहते हैं कि मैं आपके ऊपर क्या करूंगा, मैं केस लगाऊंगा और मैं आपके ऊपर इंक्वायरी बिठाऊंगा। लेकिन जब इसके फादर जॉन कार्सन बाइबल पढ़ते हैं तो उनको ये रियलाइज होता है कि शायद मुझे किसको, जॉन बार्टन को माफ कर देना चाहिए, और लास्ट में जो जॉन कार्टन होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, जॉन कार्सन की ही बाहों में इनकी डेथ हो जाती है, और यहाँ पे मैरी का और जैम का रियूनिट हो जाते हैं ये दोनों, इन दोनों की एक दूसरे से शादी हो जाती है। और यहाँ पे जो मार्गरेट होती है, ये न्यूज आती है कि मार्गरेट जो कि ब्लाइंड थी उसकी आई साइट वापस आ गई है और मार्गरेट की शादी होगी विल विल्सन के साथ है, जो कि जैम का कजिन होता है। और यहाँ पे अब जो जैम विल्सन होता है वो कहता है कि अब मैं इंग्लैंड में नहीं रहूंगा क्योंकि मेरी रेपुटेशन बहुत ही ज्यादा डाउन हो गई है और मुझे यहाँ पे न्यू जॉब मिलने में भी प्रॉब्लम होगी। तो वो ये डिसाइड करता है कि वो मिसेज विल्सन को लेकर और मैरी को लेकर और वो खुद ही तीनों लोग जाएंगे और ये कैनेडा शिफ्ट हो जाएंगे, और इस तरीके से ये नॉवेल यहाँ पे खत्म हो जाती है। तो आई एम श्योर कि आपको ये नॉवेल बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स है, कोई क्वेरीज है, तो यू कैन पुट योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल मीट यू सून विद अ न्यू वीडियो लेक्चर, टिल नाउ बी सेफ एंड स्टे ट्यून्ड टू आरती गुप्ता। थैंक यू सो मच।